महाराष्ट्र के जलगांव के पास अमनेर में श्री मंगल ग्रह देवता का प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर प्रति मंगलवार को हजारों लोग मंगल देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर आने वाले भक्तों को पंजरी और पंचामृत का प्रसाद तो दिया ही जाता है, साथ ही यहां पर गोड़ सेव नाम से एक बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखा प्रसाद मिलता है, जो कि कहते हैं कि कई दिनों तक यह कभी खराब नहीं होता है। इसी के साथ ही यहां पर महाप्रसाद भी मिलता है। मंगलदेव के मंदिर में तीन तरह से प्रसाद मिलता है। पहला तो मंदिर संस्थान द्वारा पूजा और आरती के बाद निशुल्क प्रसाद वितरण होता है, जो पंचामृत के साथ ही पंजरी प्रसाद होता है। इसके अलावा दूसरे तरह का प्रसाद मंदिर के बाहर दुकानों पर मिलता है, और यह प्रसाद उन लोगों को भी दिया जाता है जो भक्त यहाँ पर मंगल शांति के लिए अभिषेक कराने के लिए आते हैं। इस प्रसाद को गोड़ सेव का प्रसाद कहते हैं। तीसरा प्रसाद महाप्रसाद होता है, गोड़ सेव का प्रसाद। गोड़ सेव नाम का प्रसाद यहाँ का सबसे लोकप्रिय प्रसाद है। इसे मंगल का प्रसाद कहते हैं। यह एक प्रकार की मीठी सेव रहती है। यह विशेष तरीके से बनता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है, जो कभी भी खराब नहीं होता है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है, वह यहाँ का यह प्रसाद अपने घर ले जाना नहीं भूलता है। ये गोड़ी सेव बेसन से बनती है, और उसको पहले दिन बनाया जाता है, उस अजवाइन डाला जाता है, उसमें तेल का मोहन दिया जाता है, तेल से तला जाता है पहले दिन। दूसरे दिन उसको गुड़ लगाया जाता है, गुड़ का पाक बना के दूसरे दिन उसको बना के हम हफ्ते में कम से कम डेढ़ दो क्विंटल तक गोड़ सेव देते हैं मंदिर को। और ये सब मंदिर के मार्फत से हम सब महिला को यहाँ काम मिला है। मेरे इधर कम से कम 30-40 महिला होती है काम करने के लिए। सभी महिला को ये काम मिला है हमको ये मंदिर से। इसी के साथ यहाँ पर मंगलवार को मंगल दोष की शांति भी होती है, और मंगल देव की कृपा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंगल की शांति के लिए यहाँ पर हर मंगलवार को अभिषेक किया जाता है। मंगल ग्रह मंदिर से संबंधित और अधिक जानकारी हेतु डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।